हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यमन और आप सबको स्वागत है एग्जाम एपेक चैलेंज में। आज हम लोग एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में जो सारे रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे, थर्ड अप्रैल फर्स्ट सेट में जो सारे रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका हम यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले मैंने इसी सीट का जो जो सारे मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे उसका वीडियो बना के प्ले लिस्ट करके रखा है, चाहे आप और अब लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ऑल सीट का एक पीडीएफ है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा है, वो पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। वो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास कब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप लोग अगर एनटीपीसी या किसी भी एग्जाम की गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे एक नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, देखिए 9674656937। इस नंबर पर आप लोग एक मैसेज कर दीजिएगा तो आप लोगों को वहां से डेली का न्यूज़पेपर द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया और बहुत से न्यूज़पेपर वहाँ से मिल जाएंगे, डेली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, उसके साथ साथ स्टडी मटेरियल भी आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ एन इज टू 38 डबल इज टू 3:57 देन फाइंड एन। ऐसे हमको एन का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो ये सारे जो क्वेश्चन रहते हैं ये एक पैटर्न में रहते हैं, हर सारे क्वेश्चन वो हमको पैटर्न उसको हमको ढूंढना है। यहाँ पे हम 3 से अगर 19 मल्टीप्लाई करें तो आ रहा है हमारा 57, यानी यहाँ से 2 × 19 अगर मल्टीप्लाई करें तो आ रहा है हमारा 38, यानी यहाँ पे जो इन का वैल्यू होगा वो हमारा 2 बन के चला आएगा। और अगला क्वेश्चन है, इफ प्लस एंड इन टू आर इंटरचेंज देयर इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ, ये जो एक्सप्लेनेशन है जो पूरा इक्वेशन है इसका वैल्यू क्या होगा अगर हम प्लस एंड इन टू का हम इंटरचेंज कर दें। तो यहाँ पे मैंने ज्यादा क्वेश्चन आज नहीं लिए हैं क्योंकि मैंने देखा है सारे सिमिलर से क्वेश्चन है पिछले शिफ्ट के, इसीलिए जो सारे सिमिलर क्वेश्चन नहीं है वो सारे यहाँ पे मैंने पिक किए हैं। तो पहले हमको ये जो रिप्लेस करना है पहले हम रिप्लेस कर लेते हैं, 9 डिवीडी डिवीजन में हम 5 कर रहे हैं इसको, प्लस हमारा क्या हो रहा है प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन जो है इंटरचेंज हो रहा है, यानी प्लस हमारा यहाँ पे इंटू बन जाएगा, माइनस जो है हमारा माइनस एज इट इज रहेगा और इंटू जो हमारा है ये प्लस बन के 2 हो जाएगा। इससे ये जा रहा है 2 टाइम्स जा रहा है, यानी इधर आ जाएगा 18 − 23 + 2, यानी इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा आ रहा है -3, यानी इसका जो वैल्यू होगा वो हमारा -3 होगा, जिस वाले ऑप्शन में -3 होगा वो इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में ही पूछा गया है ऐसा करके क्वेश्चन, तीन फिगर दिया गया है, तीन फिगर में कुछ नंबर्स दिए गए हैं और फिगर्स का नाम बताया गया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे जो पहला फिगर है इसको बोला गया है मरकरी, मरकरी में मान लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में था एक किड्स लिखा था, बड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन था वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। तो एक किड्स जो बच्चे हैं 10 बच्चे मान लेते हैं मरकरी में है, यहाँ पे जुपिटर में कितने हैं ये दिया हुआ है, मार्स में कितने हैं ये दिया हुआ है और इससे जुड़ी क्वेश्चन जो है हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि द रेशियो ऑफ किड्स हु लाइक ओनली मार्स टू दोज हु लाइक ऑल थ्री, यानी हमको यहाँ पे रेशियो निकालना होगा जो बच्चे मार्स को लाइक करते हैं एंड जो बच्चे सब चीज को लाइक करते हैं। तो मार्स में देखिए कि जो मार्स है यहाँ पे ओनली मार्स, यानी ओनली ये वाला जो है ये इसमें तो ये जुपिटर चला गया, 13 और 16 तो जुपिटर के साथ चला जाएगा, मरकरी में जो है ये 10 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो मार्स में बचा कौन सिर्फ 14 स्टूडेंट, तो हमारा 14 होगा ऊपर में। और इसका रेशियो किसके साथ बताया गया है कि ऑल थ्री जो लाइक करता है, ऑल थ्री कौन लाइक कर ले, कौन सा यहाँ पे हमको देखना होगा कि कौन सा पोर्शन तीनों में कॉमन है, तीनों में पोर्शन कॉमन, एक जो 13 वाला जो पोर्शन है एक यही पोर्शन जो है वो तीनों में कॉमन है, यानी जो 13 है ये 13 हमारा तीनों चीज को लाइक करता है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा
13, यानी इसका आंसर जो बनेगा ये हमारा 14 बटे में 13 बन जाएगा। अगला जो है हमारा इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है हमारा, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द किड्स हु लाइक मरकरी एंड जुपिटर। यहाँ पे ओनली होगा द किड्स हु लाइक, ओनली यहाँ पे कर लीजिए, ओनली मरकरी एंड जुपिटर। मरकरी कौन कौन लाइक करता है? यहाँ पे सिर्फ जो टेन जो है, ये टेन हमारा सिर्फ मरकरी को लाइक करता है, तो ये हमारा टेन आ गया। और किसके साथ इसका डिफरेंस पूछा गया है हमको? जुपिटर के साथ। ओनली जुपिटर वाला जो है ये 16 जो है, ये हमारा ओनली जुपिटर होगा, यहाँ पे डिफरेंस होगा। यहाँ पे हम माइनस नहीं करेंगे, आप सबको पता होगा कि डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा, टोटल 6 यहाँ से डिफरेंस बन के आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एज ऑफ जय एंड जॉय इज 5:2, द सम ऑफ देयर एजेस इज 63, आफ्टर 9 ईयर्स व्हाट विल बी देयर रेशियो ऑफ देयर एजेस। बहुत आसान से क्वेश्चन है, हम पहले मान लेंगे कि जय और जॉय का जो रेशियो, उनको हम मान लेते हैं, हमको जय का जो है वो एज है 5x एंड जॉय का जो है हमारा वो है 2x, और अब इन दोनों का सम हमको बोला गया है, तो हमारा 7x आ रहा है। इन दोनों का सम दिया गया है 63, सिक्स का वैल्यू हमको क्या आ रहा है, ये 9 आ रहा है, तो उनका प्रेजेंट एज कितना है? प्रेजेंट एज एक का है 45 और दूसरे का हमारा है 18, और हमको रेशियो फाइंड करना होगा 9 ईयर बाद वाले के, यानी इसके साथ हम और भी 9 जोड़ देंगे, तो ये बन के क्या आ जाएगा, जब हम 9 ऐड कर रहे हैं तो ये हमारा आ रहा है 54। हम रेशियो हमको फाइंड करना होगा, हम रेशियो कर लेते हैं एक बार में, और यहाँ से अगर 18 में अगर 9 जोड़ें तो ये आएगा हमारा 27। अब इनका हमारा रेशियो आ जाएगा, ये इससे 2 टाइम्स जाएगा, 2:1 हमारा यहाँ से रेशियो बन के आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि अगर x=24 हो एंड BE=7 है, देन रिंग कितना होगा, हमको ये फाइंड करना होगा। ये क्वेश्चन मैंने जो भी जितने भी शिफ्ट किए हैं, सारे शिफ्ट में ये अल्फाबेट से, अल्फाबेट के किस पोजीशन में वो अल्फाबेट है, इससे जुड़ी क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है, तो आप लोग अल्फाबेट को एकदम से रट लेना कि कौन सा अल्फाबेट कहाँ पे है। इससे होगा क्या, आप अगर रट ना लगा तब भी आप कर सकते हैं, कि अगर याद रह जाए तो क्वेश्चन आसानी से जवाब जल्दी में हो जाएगा। तो यहाँ पे एक हमारा 24 में आता है, बी हमारा 4 में आता है, बी हमारा 2 में आता है, और ई हमारा 5 में आता है, इन दोनों का सम हमारा 7 होता है। यहाँ पे रिंग दिया गया है, आर हमारा कितने में आता है, 18 में हमारा आर आता है, आई हमारा 9 में आता है, एन हमारा 14 में आता है, और जी हमारा जो है वो हमारा 7 में आता है। इन सारों को अगर हम जोड़ दें तो ये हमारा 48 आ रहा है, यानी 48 यहाँ का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक ब्लैट एंड रिलेशन का एक क्वेश्चन है, एम इज द सन ऑफ एन, ओ इज द फादर ऑफ एन। जो भी है, जो भी क्वेश्चन अगर ब्लैट रिलेशन से आए, हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे और उसके साथ हमको उसका जो ट्री होता है, फैमिली ट्री हम बनाएंगे। बोला गया है कि एम इज द सन ऑफ एन, एन जो है, इस एन का सन है हमारा कौन, एम जो मेल पर्सन है उसका हम बॉक्स कर रहे हैं, और यहाँ पे एन का हमको पता है नहीं पता चल रहा है कि यहाँ से कि एन मेल है या फीमेल है, एज इट इज हमको वहां पे रख देंगे। अगला क्या बोला गया है, ओ इज द फादर ऑफ एन, एन का फादर जो है वो है ओ जो है वो एन का फादर है। अब क्या है, पी इज द फादर ऑफ एम, एम का जो फादर है वो कौन है, पी है, यानी पी जो है ये एम का फादर होगा, और तब एम क्या होना चाहिए, एम इसका मादर होना चाहिए। तो हाउ एन रिलेटेड टू पी, पी
इनके साथ पी का रिलेशन क्या है, यानी पी का इन कौन होगा। तो पी का इन कौन होगा हमारा, पी का ए वाइट होगा, यानी यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हमारा वाइट बनेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा मिसिंग, एक मिसिंग सीरीज का क्वेश्चन है कि दिया गया है 13, 14, 18, 27, उसके बाद जो है क्वेश्चन मार्क है 68 एंड 104। मिसिंग टर्म्स का भी एक सही से एक सीरीज चलता है, हमको सीरीज पॉइंट करना होगा कि कौन सा सीरीज यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे देखिए क्या कितना हो रहा है, यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है ये 4 ऐड हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है ये 9 ऐड हो रहा है। तो ये क्या चल रहा है, ये देखिए ये 1 का स्क्वायर है, ये 4 क्या है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमारा 4 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी इसके साथ 16 ऐड होना चाहिए। तो 16 ऐड करने पे ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बन के आएगा ये 43 बन के आएगा, यानी यहाँ पे 43 हमारा सही आंसर बनेगा। अगला एक आसान सा क्वेश्चन था कि H2 अगर हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करें, इक्वल्स कर दीजिए इसको, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करें देन KOH ए किसको रिप्रेजेंट करेगा। KOH इसका नाम क्या होता है हमारा, इसका नाम होता है हमारा फॉस्फोरस, यानी फॉस्फोरस जो है यहाँ पे सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कोडिंग एंड डिकोडिंग के बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने देखा है कि बहुत से क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक। AIQ ऐसे करके एक सीरीज दिया हुआ है कि आखिरी में क्या होगा, ये हमको यहाँ पे फाइंड करना होगा। तो देखिए कैसे चल रहे हैं, ABCD यानी ये वाला जो होगा पहला वाला ये होगा, इसके बाद IJKL यानी यहाँ पे M होगा। अब अल्फाबेट को जो है अल्फाबेट को पूरा याद कर लीजिएगा, क्योंकि अल्फाबेट से जुड़े बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है हमारा QRST, QRST इसके बाद होगा हमारा EU, तो यहाँ पे EMU जो है यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला है हमारा कि अगर HOBA वाला Z है, ZES अगर इसको रिप्रेजेंट करे देन ये किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो अब देख सकते हैं कि GK यहाँ पे जो हो रहा है क्या हो रहा है, ये सीरीज जो हो रहा है हमारा यहाँ पे 1 माइनस माइनस करके देखिए चल रहा है, सारे में 1 माइनस हो रहा है, सारे में 1 माइनस हो रहा है। जी के बाद एच है, NOABYZDERS ऐसे करके हमारा चल रहा है। तो यहाँ पे है हमारा 1 माइनस माइनस करके चलेगा। अगर आप लोगों को नंबर याद है कि किस पोजीशन में कौन है, तो ये आसानी से होगा कि 4 में ये सी डी हमारा 4 में होता है, यानी यहाँ पे सी होगा, सी हमारा 3 में रहता है। इसके बाद हमारा एच के बाद आ जाता है हमारा, जेड के बाद हमारा ए आता है, क्यू के बाद हमारा आर आता है, और हमारा एक्स के बाद हमारा वाई आता है, यानी यहाँ पे जो सही आंसर होगा ये CAZQX जो है हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा SHELF, अगर रिप्रेजेंट करें FURYS देन ZEBRA यानी जेब्रा किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे भी कोई ना कोई सीरीज चल रहा है, हमको ये सीरीज या कभी कभी सीरीज चलता है, कभी क्रॉस कनेक्शन करके देता है, कभी ऑपोनॉइन करके देता है, ये हमको सिर्फ फाइंड करना होगा और हमारे पास आसानी से चला आएगा। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, HIJK, हाँ यहाँ पे देखिए ये वाला इससे कितना दूर है, ये कुछ नहीं, मैंने यहाँ पे क्या किया सिर्फ 2 को देखा, इस वाले से ये वाला कितना दूर आ रहा है, मैंने देखा कि ये 13 टाइम्स दूर आ रहा है ये। फिर मैंने दूसरे बार दूसरे को मैंने चेक किया, एक बार दूसरे को चेक करने पे देखा कि ये भी 13 टाइम्स ही आ रहा है, यानी इससे मुझे पता चल गया कि ये जो सीरीज है ये हमेशा 13 टाइम्स ही जा रहा है।
तो एक बार सिर्फ हमको फाइंड करना होगा कि कितने सीरीज में जा रहा है। देखिए आप लोग, इससे ये 13 डिजिट के बाद ये हमारा एफ आएगा, ए से 13 डिजिट के बाद यू आ रहा है, ई के 13 डिजिट के बाद हमारा आर आ रहा है। तो ये सीरीज हमको पता चल चुका है। और आप ये वाला क्यों करना है, तो यहां से हम लोग फिर से 13 करके करके करेंगे। जेड से अगर 13 करें तो हमारा जो एम होता है हमारा 13 नंबर पे आता है, तो हमारा एम हो जाएगा यहाँ पे। इसे अगर 13 करके ये करें तो यहाँ पे 5 है, और 13 करके 18 यानी यहाँ पे आर आ जाएगा। बी हमारा 2 में आता है, 2 में, और 13 इसको बढ़ा दे तो हमारा 15 होगा, 15 में हमारा ओ रहता है। और आर की बात करें तो 18 में आता है, 18 के साथ हम 13 जोड़ दें तो ये हमारा बन जाएगा 26, 26 के बाद हमारा और भी आ रहा है 5, यानी यहाँ पे ये आ जाएगा ई। और ए के साथ हम अगर 13 जोड़ दें यानी 1 के साथ 13 जोड़ दें तो ये 14 होगा, 14 में हमारा आता है एन, यानी कि एम आर ओ ई एन जो है ये हमारा यहाँ पे सही आंसर बनेगा। मैंने यही सारे क्वेश्चन आज पिक किए थे, और बाकी सारे क्वेश्चन जो थे बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने उन सारे क्वेश्चन को स्किप करके दिया है इस शीट का। अगले शीट में जो होगा वो हम सारे क्वेश्चन को करेंगे वहां पे भी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।